हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज है 25 तारीख, मेरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह का अभी हो रहा है 8:30। मैं अभी जस्ट उठ के आ रही हूँ और आज पानी भी नहीं आ रहा है। कल रात हनी ने सोने नहीं दिया, बहुत परेशान किया। और आज मैं बना रही हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मैं सुबह चावल और पूरा खाना बनाती हूँ सुबह के टाइम पे। तो जब तक मैं बाथरूम वगैरह जाके आती, तब तक हनी के पापा ने रख दिया था। पालक का साग बना रहे हैं आज हम, और पालक धो के काट के हमने कल रात को ही रख दिया था। हमने कहा टाइम नहीं मिलता है सुबह ढंग से, तो अभी इन्होंने सिर्फ कढ़ाई में सिर्फ पालक डाला हुआ है। ये देखो, सिर्फ ये पालक डाला हुआ है और इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे पकने के लिए। जब ये सब्जी की तरह पूरी गल जाएगी, तब हम इसमें मसाला, नमक जो भी होता है सब कुछ डालेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी कि आगे क्या क्या करना है। तो चलो फिर चाय पी लेते हैं, चाय बना के रखी हुई है। तो चलो फिर, ये देखिए हल्का हल्का सब पक चुका है। अभी ढंग से पका नहीं, मैं थोड़ा देख रही हूँ अच्छे से। इसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला है। जब इसका अच्छा सा मतलब पेस्ट बनने लग जाएगा, तो तब समझो आप कि हो गया है। इसमें मसाले मसाले सब कुछ डालेंगे हम। और लाइट चली गई, देखो मैंने कैमरे की लाइट ऑन कर रखी है। तो मैं इसको थोड़ी देर और छोड़ दूंगी। ये मैंने 2 मिनट तक रखा हुआ था, मैं देख लेती हूँ। तो ये हो चुका है, मैं इसको एक कटोरी में निकालूंगी। निकाल के थोड़ा इसको साफ करके फिर रखती हूँ। कढ़ाई मैंने साफ करके रख दी थी, गर्म हो गई है। लोहे की कढ़ाई है, बहुत जल्दी इस पर जंग सा लग जा रहा है। तेल थोड़ा ज्यादा चले गया, थोड़ा कम कर देती हूँ। तो इतना काफी है तेल। ये डाली इसमें मैंने हल्का, ये रखा है मैंने थोड़ा सा बेसन निकाल के। इसमें मैं डालूंगी मसाले, बस अभी नमक। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मिक्स हो चुका है और अब डाल दूंगी मैं इसमें जो ये मैंने सब्जी निकाल के रखी थी। बस इसको रहने दो, इसको पहले एक बार फिर से अच्छे से चला लूंगी मैं। ये
बेसन के गोले नहीं बनने चाहिए नहीं तो खराब हो जाते हैं। तो ये भी हो चुका है, तो डालो इसमें। बेसन इसमें इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि थोड़ा ये थिक बने, थोड़ा गाढ़ा बने। अपने हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे जितना हमको चाहिए। और इसको हम थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ में रख देती हूँ मैंने कहा चावल। ये तो चलो फिर चावल वॉश कर देती हूँ मैं। चावल वॉश कर दिए हैं, पानी डालूंगी मैं जितना पानी चाहिए इसमें। तो इस तरीके से मैं अंदाजा लगाती हूँ। तो हो गया है पानी, तो बस बगल पर चढ़ा दिए मैंने चावल क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और ये बगल पे उबल रहा है। तो इसको उबलने देते हैं अच्छे से क्योंकि मैं बेसन पकना बहुत ज़रूरी है। सब्जी तो पक चुकी है, मसाले और बेसन, तो उसके लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। ये पक चुका है साग, ये देखो, और बस हो चुका है। बंद कर दो इस गैस को क्योंकि मेरे पास है हनु सिंह। ये देखो हनी कैसे देख रहा है, हो क्या रहा क्या कहीं ना हनी, क्या हो रहा है, हैं? उठ चुका है ये शैतान जिसने हम दोनों को सोने नहीं दिया कल रात भर। आंखें देखो इसकी। क्योंकि इसको शायद सर्दी लग गई थी इसलिए परेशान हो गया था। बहुत पिटाई करी मैंने कल इसकी, बहुत ज्यादा पिटाई ना। कैसे पीटा मम्मी ने, कैसे पीटा मम्मी ने, कैसे पीटा मम्मी ने, नहीं पिटाई की वो बच्चा। मेला बच्चा है ये, मेला बच्चा ऐसे नहीं करते बेटा, गंदी बात है। तो चलो फिर मोटू पतलू देखो। हाँ चलो फिर मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, तब तक मैं झाड़ू झूड़ू कर देती हूँ और हनी जाएगा पापा के पास वहाँ पे बैठने, ठीक है ना? ठीक है। गुड आफ्टरनून, टाइम हो गया है 1 और खाना खाने के बाद फिर वैसे हो गया बर्तन धुलना सब कुछ। हनी को नहलाया, आज हनी के पापा की भी छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी है, तो हनी को नहला के धूप पे बैठा रखा है मैंने, कपड़े वगैरह पहना के। नहला तो मैंने 12:30 बजे दिया था और उसके बाद से वो दोनों धूप पे बैठे हैं। मैं बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी चाय, ये देखो। और मैंने कहा चलो वीडियो भी बना देती हूँ, थोड़ा ना बता देती हूँ कि कैसा था साग। साग अच्छा बना हुआ था लेकिन थोड़ी सी मेरे से नमक थोड़ी ज़्यादा चले गया था, कि मतलब मैं तो उतना ही नमक खाती हूँ, हनी के लिए थोड़ा तेज़ हो गया। हम दोनों उतना ही नमक खाते हैं लेकिन बच्चा नमक नहीं खाता, बहुत कम खाता हो, वो सोचता पता नहीं क्या है। तो उसने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, इतना भी नहीं खाया, थोड़ा सा मुँह में डाला ही था उसने, फेंक दिया। तो हनी के काम का तो कुछ हुआ नहीं। चलो फिर मैं चाय बना लेती हूँ, धूप बहुत अच्छी है आज। अच्छा लगता है ना जब घर पे अपने साथ हो तो चाय पीने का मन और अच्छे से हो जाता है। वैसे तो चाय मैं हमेशा पीती हूँ दिन के टाइम पे, लेकिन अगर हनी नहीं सोया है तो बनाना मुश्किल है गोद में लेके, क्योंकि वो गोद से उतरता ही नहीं है। तो आज हनी के पापा थे ही, कल वो सोया नहीं तो कल मैंने शाम को बनाई चाय, आज उठाया लेकिन आज उसके पापा हैं तो इसलिए मैं चाय बना पा रही हूँ अच्छे से। तो चलो फिर चाय पी लेते हैं, आप लोग भी आ जाओ चाय पीने। देखो हम दोनों के कप, ये देखो मैंने गद्दे डाले हुए हैं सुखाने के लिए। कल मैंने दूसरे वाले गद्दे डाले थे वो मैंने अंदर बिछा दिए, और ये अंदर के थे, बाहर लेके आ गए मैं, इनको बिछा दिया। इतने गीले हो रखे थे क्या बताऊँ, मतलब
पानी जैसे निकल रहा था इनसे, क्योंकि ऐसे गधे पानी पी लेते हैं। तो ये है, ये देखो हनी के पापा, हनी नहीं उठावे। ये देखो मौसम, आज मौसम है, 3 बजने वाला है। अभी तक हमने कुछ नहीं बनाया नाश्ते में, देखते हैं क्या बनाए। और मैंने क्या भिगा के रखा है, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, देखो नीचे पर रोड़ा है। क्या भिगा के रखा है मैंने, खाना बन, हाँ मैंने दलिया भिगा के रखा हुआ है, देखते हैं दलिया और रोटी। तो मैंने कहा चलो वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, शाम होने वाली है, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो चलो फिर, ये देखो मैंने अभी माल लिखा है यहाँ पे, हनी के पापा की चेयर पे मैं बैठ गई। अभी तक मैं वहाँ पे बैठी थी, वहाँ पे ठंड लग रही थी, मैं यहाँ पे बैठ गई। तो तो चलो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हनी सोया है, मैं बताना भूल गई, हनी को सोए 1-1.5 घंटा हो गया। उसके बाद मैंने हनी के कपड़े धुले और मैं तब से धूप पे बैठी हूँ। तो चलो फिर, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।